आज के मुख्य समाचारों में आप सभी का स्वागत है। ये लड़के पागल हो चुके हैं, कैमरा लेके घूम रहे हैं, लड़कियां दूर दूर से देख रही हैं हमको। हंसो ना यार, कितने अच्छे हंसते हो आप। राजा, अगर तू ब्लॉग देख रहा ना, तूने कड़म था भाई, तूने बहुत अच्छी रोटी खिलाई है, तो कल पैक करा जो यहाँ। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल शिवाय ब्लॉग्स। तो सारे बोलते हैं कि भाई तेरे ब्लॉग्स बहुत बोरिंग होते हैं, तो एनर्जी लाएंगे आज के ब्लॉग में, एनर्जी लाएंगे। ठीक है मंचू भाई, लाएंगे एनर्जी? हाँ बिल्कुल। कितनी कितनी एनर्जी, बोलो बोलो कितनी एनर्जी लाओगे? ओए, और ये हमारे पम्मी भाई, एज यू नो आप सभी इनको जानते हो। सो भैया अभी देख रहे हैं मैच, और देखो कितना तगड़ा सेटअप किया भैया ने, कितना अच्छा लगा। और अगर कुछ भी लेना हमारी शॉप पे आओ यार, विजिट करो, इतना तगड़ा माल लाया हमने। और यहाँ पे देख सो कितना गंद पड़ा है। ओए छोटू, सिर्फ सैलरी लेगा जो दुकान की सफाई भी करेगा? भैया काम करना नहीं आता है ना भैया। चलो उठ के सफाई करो भैया, आपको रखा है काम के लिए। सो बात कुछ ऐसी है कि अभी हम अपनी शॉप पे, तो यार अब विंटर्स का काम चल रहा है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे गंद पड़ चुका है दुकान पे। सो देखते हैं अभी यार यहाँ पे पूरी सफाई वगैरह करेंगे, तो उसका ब्लॉग अगर शूट करना हो तो कर लेंगे। कैसा लग रहा है आज खुद की शॉप पे काम ना करके, पंचवे की शॉप पे काम करके? वो भी अच्छा लग रहा है। वो बंदा जिसकी दुकान है खुद बैठा वो कुर्सियों पे, वाह 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 वाह। तो मैं और पम्मी भाई जा रहे हैं बीच बाजार से, उसको आज कॉन्फिडेंस चेक करते हैं इस बाजार में ब्लॉगिंग हो चुकी। क्या हो रहा है आयुष भाई, बड़ी धूप आ रही है, दिख नहीं रहे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे अनामिका और आए हैं। ये बुल्ट कितने का है? कितने का लिए? कितने के लिए ये बुल्ट? मुझे क्या पता, 47 का। क्या 47? तू पागल है। मम्मी कैसे है? वो कैसे बंदे ने खरीदा। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे मार्केट में स्टेशनरी वाली शॉप के पास, वहाँ पे अनामिका और हमारा वेट कर रहे हैं। सो लोगों के काफी ज्यादा तगड़े रिएक्शन आ रहे हैं कि ये लड़के पागल हो चुके हैं, कैमरा लेके घूम रहे हैं, लड़कियां दूर दूर से देख रही हैं, लड़कियां दूर दूर से देख रही हैं हमको। सो गाइस चेक इट आउट, अभी मेरे को एक लड़के से टोपी लेनी है अपनी, रुको इसको देखते हैं हमारी कैप है इसके पास। ठीक हो? तो ये अपने गौतम भाई हैं, तुषार के कजन है। तुषार कहाँ पे है? आज के मुख्य समाचारों में आप सभी का स्वागत, मैं आप सबका होस्ट शिवाली का अर्जुन सिंह। तुषार भाई अपने मीडिया में है, सो मैं कैप ले रहा हूँ, उसको बोल देना ठीक है। तो इस टाइट है, इसको खुला करना पड़ेगा पहले। चलो मैंने भी यही लिया, 200 की। पहुंच गए हैं जीजू के पास। क्या हाल है जीजू? बस ठीक हो? तो ये अपनी रोजी दी एंड पूछ की, हेलो हेलो क्या हाल है? और ये अपनी, हेलो हेलो गाइस, कौन हो आप? सेल्फ इंट्रोडक्शन दो अपनी, खुद से इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। नहीं 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 नहीं, जाओ बाढ़ में जाओ। एक तो रोजी को दिखा दे, रोजी रोजी एक बार फिर से हंसना, हंसना हंसना एक बार फिर से हंसना, हंसना यार, हंसो ना यार, कितने अच्छे हंसते हो आप। बाय बाय गाइस, आज मेरा और परविंदर भाई का कॉन्फिडेंस चेक करो यार, बीच बाजार में ब्लॉगिंग कर रहे हैं और मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मेरे साथ पम्मी भाई है तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। क्या बोलेंगे आज ऐसे लोग, अगर लोगों के अंदर इतना दम हो तो खुद भी तो कुछ करें, सही बात है ना भाई, हम पे क्वेश्चंस करने से अच्छा भाई खुद पहले कुछ कर लें। ठीक है, सो ये बाजार देखो आप कालाकोट का, कितना प्यारा बाजार है भाई। बाय गाइस, तो पम्मी भाई कुछ बोलना चाहोगे हमारे सब्सक्राइबर्स को? नहीं क्यों? सो गाइस अभी हम ना एक चैलेंज करने जा रहे हैं, परविंदर भाई ने मुझे डेयर दिया है, तू तेरे को अपनी शेव करानी है, मन तो नहीं है शेव कराने का, बट परविंदर भाई ने बोल दिया ठीक है भैया करूँ फिर आपने बोला, तो चलो देखते हैं यार ये डेयर एक्सेप्ट होता है नहीं होता है, करा देंगे शेव, चलो फिर देखते कैसे लगते हैं। अगर ये और जिसको क्रिकेट की और जिसको गोली डंडे की नॉलेज है क्रिकेट की बातें कर रहे हैं। सो गाइस काफी टाइम के बाद अब मैंने कैमरा ऑन किया है, पहले इंडिया की हमने पूरी फर्स्ट इनिंग्स देखी अच्छे से, क्योंकि सेमीफाइनल था और मैं एक बॉल भी मिस नहीं करना चाहता था। सो अभी आप देख सकते हो हम गाड़ी में बैठे हैं, तो ये राजा भैया और पंचू भी हैं, हम जा रहे हैं आज राजा भैया के घर पे, आज राजा भैया के घर पे कीर्तन। सो भैया मजा आने वाला आज आपके घर जाके? हाँ
आज हम फर्स्ट टाइम मैं राजीव की मम्मा से मिलूंगा, मैं आज से पहले कभी नहीं मिला हूँ आंटी से। सो पम्मी भैया चले गए अपने घर बाइक लेके जतिन की। सो चलो गाइस अभी हम जा रहे हैं राजीव भाई के घर, तो वहाँ पे जो जो फंक्शन होगा छोटा सा बड़ा सा जो भी है राजीव भाई ने जो ऑर्गेनाइज किया वो दिखाएंगे आपको, ठीक है गाइस। और राजीव बोलूंगा भाई रोटी अच्छी खिलाना मुझे रात को, क्या किया वो रोटी मैंने स्पेशल बनवाई है आपके लिए। गाइस ऐसे भाई तीन चार और होने चाहिए, जो सिर्फ एक हमारा पम्मी भाई है जो इतनी ठंड में हमें चार्जर देने आया है, पर हमने इनके बारे में सोचा था, हमने इन्हें बोला था कि आप जैकेट पहन के जाओ क्योंकि आपको ठंड लग सकती है बाइक पे। हाँ ये पहन ले, वो उसको भारी लगती है भाई, ये देख सकते हो इसके आंखों में आंसू आ रहा है, पानी आ रहा है, इमोशनल हो गया हमारा पम्मी भाई। पपी तो क्यों इमोशनल हुआ मेरे भाई। सो गाइस हम अभी राजीव भाई के घर पे रोटी खा रहे हैं और ये पंचवे का खत्म हो गया खाना, मेरी प्लेट में देखो भाई कितने ज्यादा टोटे डाल दिए है। थैंक यू राजीव भाई, कर सकते भाई पहला साग और टोटा खाओ, खाओ एक बार, खाओ एक बार सरसों का साग, हां खाओ खाओ एक बार गिरा लो। अरे वाह वाह, पंचवे कैसा लगा खाना पंचवे भाई? अभी हम आ चुके हैं राजीव के घर से। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम राजीव के घर पे आपको मैं इसलिए कुछ दिखा नहीं पाया, लाइट की काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी और फोन हमारे एक्चुअल में डेड हो चुके थे ना पंचवे, तो मैं सोच भी रहा था कि यार पंचवे के फोन से करूंगा ब्लॉगिंग थोड़ी टाइम, बट पंचवे का फोन भी डेड हो गया था। सो अभी हम जा रहे हैं फिर से कालाकोट और काफी ज्यादा मजा आया, आज का दिन तो अच्छा निकला हमारा, बट ब्लॉग में तो इतना सही दिखा नहीं होगा क्योंकि हमने ब्लॉग बीच बीच में बनाया है, बट अगर मैं सही में बोलूं आज मेरा दिन बहुत सही निकला है। राजीव भाई के घर से भी हो गया फर्स्ट टाइम है, राजीव ने बहुत फोर्स किया कि मेरे घर चलना चलना टोटे खाए भाई पंच मिनट में, वो भाई बैट लगा दी मेरे साथ कि तूने 10 टोटे खाने, मैंने खुद बोल दिया कि मैं 10 टोटे खाऊंगा, बट भाई मैं 3 टोटे खाए, मां कसम मजा आ गया, इतनी टेस्टी सब्जी बनाई थी राजीव की चाची ने, चाची जी वाह नाइस सब्जी, और पंचवे तो राजा से करते आए बात बोलते मर्ची बहुत ज्यादा भाई, मेरे को बेस्ट सब्जी लगी, बड़ा मजा, दाल भी थी बनी हुई राजमा की, मजा आ गया कसम से। सो बहुत मजा आया राजीव के घर पे। राजा अगर तू ब्लॉग देख रहा है ना, तूने बहुत तूने कड़म था भाई, तूने बहुत अच्छी रोटी खिलाई है, तो कद पैक करा के ले आना। सो अभी हम जा रहे कालाकोट, आप आगे का रोड देख सकते हो। ठीक है गाइस, होप करूंगा आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही पास है बन के सब्सक्राइबर्स के, जल्दी से बन के सब्सक्राइबर्स हिट कराओ, तगड़े से तगड़े ब्लॉग्स लाऊंगा और अपनी बाइक भी आने वाली है बहुत जल्द। सो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय गाइस।